के चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। समर्पित हुए और अभी तक लास्ट दिन तक सेवा करते रहे, हमेशा हर्षित रहते थे और हाजिर रहते थे डाइनिंग टाइम में, और खास वीआईपी की बहुत अच्छी सेवा की उन्होंने, बाबा ने अचानक ही बुला लिया, समझती हूँ हार्ट फेल हुआ, और देश विदेश के कई भाई बहनों ने हमको संदेश भेजा कि हमारी बहुत प्यार से सेवा करते थे, तो अभी जाकर बाबा उनको एडवांस पार्टी में कुछ पार्ट बजाएंगे। सेवा तो ब्राह्मणों का धर्म है, करते ही रहेंगे। ओम शांति। आदरणीय सुभाष भाई जी, आपको 40 साल ईश्वरी सेवा में संलग्न समर्पित होकर के सेवा किया। 1988 में इन्होंने ईश्वरी विश्वविद्यालय के ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद में बहुत छोटे पन से पांडव भवन था, पांडव भवन से इन्होंने काफी सेवा करा था, उसके बाद में ज्ञान सरोवर बने, के बाद में ज्ञान सरोवर भी, और विशेष करके वीआईपी शादी जब आते हैं उनको विशेष ध्यान भी रखता था, हम किसी को भी किसी वक्त में भी फोन करे कभी ना नहीं करता और कभी भी। उसके सिवाय जब शांतिवन में और भी मेजर एक्टिविटीज हो गया, अभी एक शादी आते थे, बड़े कॉन्फ्रेंस और आदि होता था, उस समय भी उनको हम खास रिक्वेस्ट करते थे, उसी समय भी उधर भी आकर के
उन्होंने अच्छा व्यवस्थित करके लोगों को संतुष्ट करके एक सेवा किया। इसके सिवा जो भी वीआईपी शादी आते थे उनके पास अच्छा संपर्क भी था, समय अनुसार उनको कुछ बाबा की महाबात की भी सुनाता था। और ये किसी से सेवा लिया, ना किसी को दुख दिया, ना किसी को परिश्रम किया, ना किसी को ना करने का आवश्यकता नहीं पड़ी। एक बार दूसरा ना कोई पाठ पक्का करते हुए एक मेरा बाबा अब सब हमारे साथ दिया। इस बात को उन्होंने चिंतित किया, ये भी लिखती है आज सारे देश में रिपब्लिक डे मना रहे हैं, ऐसी विशेष दिन तपस्या का दिन, साधना का दिन, साधना का परिणाम का भी दिन हम लोग देख रहे हैं। ऐसे उन्होंने बाबा को गोद में गया, अर्थात भविष्य में उज्ज्वल भविष्य है उनका, और बाबा उनको कोई ना विशेष सेवा देंगे, ड्यूटी देंगे। नया युग की स्थापना हो रहा है, नया चाहे सृजन की स्थापना हो रहा है, नवे युग की स्थापना हो रहा है, सत्युग होना ही है। इसके लिए ऐसे सत्युग में भी उनको विशेष बाबा ने स्थान दे करके हम सब के परिवार एडवांस पार्टी में जाएंगे, हम सबको स्वागत करेंगे। ऐसी आत्मा को हम बाबा के गोद में गए, ईश्वरीय परिवार का सबका शुभकामना है। और यही हम आशा करते हैं अगले दिनों में भी, अगले समय में बाबा की सेवा, भले उसको सूक्ष्म सेवा होगी, याद होगा नहीं होगा अलग बात है, परंतु संस्कार लेके गया, स्नेह लेके गया, पवित्रता लेके गया, शांति लेके गया और सद्भावना लेके गया। इन सभी बातें उनको अपने जीवन में बहुत मददगार होंगी। ओम शांति। आज हमारे सामने सुभाष भाई का, जिस तरह से अभी भी देखो उन्होंने अपनी देह त्याग की है, तो किसी को कष्ट नहीं दिया। और उम्मीद है कि बाबा के पास सूक्ष्म वतन में बाबा उनको बहुत बहुत गोद में लेके प्यार करेंगे, पुचकार देंगे, और उसके साथ साथ उनके भविष्य के रोल के बारे में वो उनको कान में सुनाएंगे। हम अपनी तरफ से, सारे ईश्वरी परिवार की तरफ से बहुत बहुत दिल की दुआएं देते हुए उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं कि जहाँ भी रहें हमेशा बाबा के नैनों में बसे रहें, बाबा के गले का हार बन के रहें, बाबा के दिल तक नशीन बन के रहें। क्यों? ऐसी आत्माएं जिन्होंने बाबा को पहचाना और फिर उसके साथ बाबा की जो इतनी ऊंची सेवा है वो दिल से, जिगर से की, तो वो संस्कार उनके साथ रहता है। उस संस्कारों के अनुसार उनका जो आगे का पार्ट है वो भी बहुत ऊंचा पार्ट रहेगा, बहुत ही भाग्यशाली घर में उनका आगे का पार्ट चलेगा। तो उस दिवंगत आत्मा को सारे ईश्वरी परिवार की तरफ से, देश विदेश के भाई बहनों की तरफ से उनके प्रति हमारी जिगरी श्रद्धांजलि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, हर गुणों के स्वरूप सुभाष भाई जी, हम सभी आपको दिल से सदा ही याद भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं। आपने बाल काल से लेकर बहुत बहुत प्रेम से सभी ब्राह्मण परिवार की बहुत सेवा की है। आपको जो बाबा ने ड्यूटी दी, आपने बहुत दिल व जान से व प्यार से वे ड्यूटी बजाई है। आप बाबा के बहुत प्यारे हैं, राज दुलारे हैं, और हम सभी के भी बहुत बहुत प्यारे भाई हैं। आपने सेवा कर
दोनों प्रकार की रूहानी और स्थूल बहुत बहुत कर्मयोगी जीवन का एक उदाहरण सभी के लिए रखे हैं। आज हम सभी बहुत प्रेम से आप सभी आपके प्रति विशेष ये शुभकामना कर रहे हैं कि आप कैसे जो बाबा ने आपको बुलाया है एडवांस पार्टी में, बाबा को बहुत ज़रूरत थी तो बाबा ने आपको बुलाया है और बाबा आपसे बहुत सेवा कराएंगे। तो हम सभी की बहुत बहुत दिल से हमारी शुभकामनाएं हैं। आपकी ये जो यात्रा शुरू हो रही है वो बहुत शुभ होगी, श्रेष्ठ होगी, बहुत ऊंची होगी। तो हम सभी की तरफ से यहाँ पर अमेरिका में सबको, कल भी हमने सबको समाचार सुनाया, तो सभी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत दिल से प्रेम और दिल की दुआएं भेज रहे हैं। बाबा की गोद में हैं आप और गोद में ही विश्राम करते हुए बाबा आपको नया पाठ देंगे। ओम शांति। ओम शांति। सुभाष भाई ने सहज भाव से देह का त्याग किया, ये उनके पुण्यों का परिणाम था। किसी से सेवा नहीं ली, कोई कष्ट भी नहीं हुआ। मुझे याद है जब वो बहुत छोटा यज्ञ में आया और दादी को कहा मुझे मिलिट्री में भर्ती करा रहे, मैं नहीं जाना चाहता। रोने लगा, मुझे यज्ञ में रखो। दादी ने स्वीकार कर लिया और मुझे दे दिया। बहुत अच्छी सेवा की, बहुत कठिन मेहनत की शुरू में, बहुत सालों तक। और नम्रचित सरल चित पुण्य आत्मा थी, इसलिए लंबा समय बहुत सुखपूर्वक बिताया। बीमारियां भी हुई लेकिन सहज रूप से शक्तिशाली बनकर उन्हें पार कर लिया। और अब बाबा के पास चले गए, किसी से सेवा नहीं ली, कोई कष्ट नहीं हुआ। और आगे की यात्रा इस आत्मा की बहुत ही सुंदर रहेगी। बाबा किसी विशेष कार्य के लिए ले गया है और इस आत्मा के द्वारा विशेष कार्य होगा। हमारी संवेदनाएं इनके पूरे परिवार के साथ है, क्योंकि इसने बहुतों को सेवा में लगाया। कितने लोग बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, तो ऐसी पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन दिल से समर्पित हैं। ओम शांति। ओम शांति। सुभाष भाई हमारा बहुत मीठा मीठा भाई है और उसकी आत्मा बाबा के गोदी में बिल्कुल बाबा के प्यार में लीन होकर के बाबा का बहुत प्यार लूट रही है। सुभाष भाई ने अथक सेवा की और खास विदेश के तरफ से सब डबल फॉरनर्स की बहुत प्यार से सेवा की। तो सब की तरफ से मुझे समाचार मिल रहा है कि वो कैसे उसको याद कर रहे हैं। तो आज के दिन हम मधुबन में भी आपको बताने चाहती हैं कि सबकी गुड विशेस, उस आत्मा ने इतनी सेवा करके अपना पुण्य का खाता जमा किया है, इतनी कमाई करके ये आत्मा गई है। अवश्य ही बाबा को कोई विशेष कार्य उस आत्मा के द्वारा कराना होगा आगे के लिए। बहुत स्नेह संपन्न, बहुत ज्ञान युक्त, बहुत योग युक्त होकर के हर प्रकार की सेवा हम सबकी की है। तो हम उन्हों को बहुत प्यार से याद कर रहे हैं और दिल से दुआएं भी दे रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। सुभाष भाई में से छोटे थे लेकिन बड़ा समझता, क्योंकि हमारा परिवार और सभी लोग उनको इतना हर पल एक एक को कैसे ज्ञान मिलाया। और यहाँ भी जब शुरू में वही आर्मी से आता था इधर, तो एक बार मेरे साथ आए, लेकिन उनको सेवा में रहने का दिल था। मैं शांतामणि दादी के पास लेकर गया। शांतामणि दादी बोले ये बहुत छोटा है, ये क्या सेवा करेगा। उनको थोड़ा दिल पर लग गया। फिर एक माताओं की पार्टी आई, 350 माता थी। तो हमारी संतोष दादी जो है जो इंचार्ज महाराष्ट्र है, तो दीदी को मना, दादी को उन्होंने मना दिया, दादी कम से कम ये पानी को जब लेके पिलाएगा माताओं को। तो दादी ने हाँ कर दिया। तो उनकी सूक्ष्म सेवा जैसे पानी पिलाने से हुई,
और पांडव वन में भी धीरे धीरे अपनी भोली दादी थी उनके साथ सेवा करते करते अपनी भोली दादी ने बहुत प्यार बहुत संभाला बहुत ज्ञान में योग में और सेवा कैसे करना है बहुत अच्छा भोली दादी ने बताया हमारी माँ आती थी तो सुभाष भाई बोलते थे ये मेरी माँ है ऐसी भोली दादी को सच में भोली दादी का प्यार समझाने का हमको भी इतना प्यार करना बहुत बहुत फिर डायरी में सेवा करना हाजी का पाठ सीखना छोटी छोटी बातों से उन्होंने पांडवनंद ने भी बहुत अच्छा दादी के दिल पर रहने वाले ऐसी बातें किया और दादी के ऊपर इतने इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखते थे बहुत खुश होते थे और उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ना और सब परिवार छोटा हो चाहे बड़ा हो डायरी में भी कभी मैं सेवा में आता था तो छोटा भी हो तो भी उसको हाजी बड़ा हो वो भी हाजी कभी पर्सनल कभी सेवादारी कम पड़ते थे खुद पर्सनल के लिए बढ़ते थे ऐसा मैं हूँ ऐसा कभी उनके दिल में नहीं रहता था आज सभी जगह से इतने मुझे ही फोन आ रहे दीदों को भी आए कि कैसे सेवा करते थे मैं आप सबको यही विनती करता हूँ रिक्वेस्ट करता हूँ जो ज्ञान सरोवर का नाम इतना ऊंचा है बड़ा है सब देश विदेश वाले ज्ञान सरोवर से बहुत कुछ लेकर जाते जो प्यार सम्मान और महिमा करते ऐसा ही आगे आप सब लोग ले चलेंगे और ले चलना है और बाबा का नाम बहुत बहुत ऊंचा करना है और हम सब ने मिलकर बाबा की प्रतीक्षा करना है ओम शांति ओम शांति सुभाष भाई और मैं बचपन से ही साथ रहते हैं और अभी अचानक हमको छोड़ के चले गए बाबा विशेष सेवा के लिए उनको आगे लिखे गए वैसे हमारे परिवार में जितने भी 60-70 लोग हैं उनका इतना प्यारा है उनके प्रति कि हर बात उनको पूछे बिना कोई काम करे या नहीं सुभाष भाई को हर बात पूछते थे कि भाई ऐसा करना है करे क्या जैसे हम देखते हैं ध्यान सभा में भी उनकी इतनी सेवा अच्छी करते थे जितने वीआईपी आए या जो भी छोटे बुजुर्ग वाले थे बच्चे हो उनको कितना प्यार से एकदम पालना देते थे प्यार करते थे तो हर जगह से अच्छे फोन आए भाई बहनों के कि हमारा जी संतन जी थे ना तो ये विशेष पाठ के लिए आइए आत्मा आगे भी है बाबा ने उनको बुलाया अचानक मुझे बस यही फील हो रहा है कि हमारे बीच में से हमारा डायमंड चला गया जो हमें रोशनी दे रहा था बस अब चारों तरफ हमें अंधकार दिखाई देता है बाबा तो है ही लेकिन हमारा डायमंड जो था वो नहीं रहेगा शांति बनी एक अभागनी पिया की अर्थी लेके चली सती होने चली वो सुहागनी अर्थी नहीं नारी का संसार जा रहा है भगवान तेरे घर का सिंगार जा रहा है अर्थी
बजता था जीवन गीत दो सांसों के तारों में, दो सांसों के तारों में टूटा है जिसका तार, वो गिरा रहा है भगवान तेरे घर का सिंगार जा रहा है। जलना था जब तक धुन की जलती रही चिंगारी, जलती रही चिंगारी। जलना था जब तक धुन की जलती रही चिंगारी, जलती रही चिंगारी। बुझने को अब जीवन का अंगार जा रहा है भगवान तेरे घर का सिंगार जा रहा है, भगवान तेरे घर का सिंगार जा रहा है। ऐसे बिछड़े दो साथी भवसागर की लहरों में, ऐसे बिछड़े दो साथी, ऐसे बिछड़े दो साथी। सजनी मझधार साजन उस पार जा रहा है भगवान तेरे घर का सिंगार जा रहा है, भगवान तेरे घर का सिंगार जा रहा है। हमारे सुभाष भाई ने हम सबको अचानक का पाठ पढ़ाया है। बाबा हमेशा कहते रहते हैं बच्चे कुछ भी होगा अचानक होगा, इसलिए एवर रेडी रहो। तो हमारे सुभाष भाई ने ये पाठ हम सबका और भी पक्का किया कि हमें सदा एवर रेडी रहना है। बाबा कब भी हम बच्चों को बुलाए, बाबा की सेवाएं तो बढ़ती जा रही है और सुभाष भाई ने यहाँ भी बहुत बहुत सेवा की, कितनी आत्माओं की दुआएं कमाई, बहुत पुण्य कमा करके बाबा के पास गए। अवश्य इनसे भी ऊंचा पाठ इनका होगा जो बाबा इनसे अभी करवाएगा। तो दुआओं का इन्होंने भंडार अपने साथ जमा किया, अनेक आत्माएं उनको आज याद कर रही है कि उन्होंने कितना इनसे प्राप्ति की। केवल सेवा ही नहीं स्थूल करते थे लेकिन ज्ञान योग की भी बहुत पालना की। देश विदेश में कितनी आत्माएं आज उनको याद कर रही है। जब भी ज्ञान सरोवर आते थे तो हमारे सुभाष भाई तो उनसे ज़रूर मिलते थे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री न जाने किन किन की सेवा की इन्होंने, तो आज हम इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ऊंचा पाठ बजाने के लिए बाबा के पास गए हैं और अपनी दुआ। मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि सुभाष भाई जब भी मैं जाता था पुराने आईजी का बात बताते थे कि 2020 में एक आईजी विल्डनेस जो हमारा सरकारी आवास है, तो उन्होंने आईजी ने कह रखा था कि जब भी आप इस तरफ से निकलोगे सुभाष जी या कोई भी आए तो घर पे चाय पी के ज़रूर जाए। तो ये बात उन्होंने मुझे 3-4 बार कही
मैं हर बार यही कहता था कि सुभाष भाई आप तक आओ ना आप भी, लेकिन सुभाष भाई आए नहीं। लेकिन जैसा दीदी ने बताया, आपने बताया, एडवांस पार्टी में वो गए हैं बाबा की सेवा में, तो मैं सीआरपीएफ की तरफ से उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि जहाँ वो जा रहे हैं आपके बाबा की सेवा में, वो जहाँ यहाँ जैसे काम किया श्रेष्ठ काम उधर भी करेंगे। ओम शांति। सुभाष भाई हमारे साथी थे और सहयोगी थे, मिलकर सेवा करते थे। अब अचानक उनकी यात्रा परिवर्तन हो गई और वो एडवांस पार्टी में गए, और उन्होंने जैसी सेवा में अपना पूरा जीवन दिया और सबके साथ मिलकर चलते रहे, ये जैसे उनकी दिव्यता थी, उनके गुणों की विशेषता थी। और हम यही समझते हैं जो बाबा की शिक्षाएं थी उन्होंने अपने जीवन में शत प्रतिशत धारण की थी, और उन धारणाओं से वो आगे बढ़ते जा रहे थे। शायद इसी वजह से शायद बाबा ने उनको एडवांस पार्टी में किसी विशेष कार्य निमित्त बुला लिया, पर अचानक का पाठ हमें भी पढ़ा गए कि कैसे हमें एवर रेडी रहना है और कुछ भी हो अपनी स्थिति को आगे बढ़ाता रहना है। हम सभी उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं और यही सोचते हैं कि देखिए कुछ न कुछ पार्ट में राज जरूर है और वो राज को हमें समझना है। ओम शांति। ओम शांति। सुभाष भाई से हमारा परिचय है, ज्ञान सरोवर बनने से 3 वर्ष पहले से ही लगभग था, क्योंकि ज्ञान सरोवर जब बन रहा था तो हमें प्रति सप्ताह यहाँ पर आना पड़ता था 3 वर्ष तक लगातार। और मैंने देखा सुभाष भाई शुरू से ही बहुत बहुत सहयोगी थे, और साथ ही साथ जब ज्ञान सरोवर बना पीछे की तरफ 96 से हमने रहना शुरू किया उधर, तो अंत तक भी वह जब भी कोई ग्रुप्स के आयोजन होते थे वह सदा सहयोगी रहते थे और मुस्कुराते हुए सदा सेवा करते थे, और हमेशा यही कहा करते थे, पूछा करते थे अब नेक्स्ट ग्रुप कब, अब कब आ रहा है, और इस प्रकार से सेवा के लिए सदा ही तैयार रहते थे। मैंने एक बात विशेष उनके अंदर देखी कि एक बार भी जिससे मिल दिया करते थे वह उसे अपना ही बना देते थे और हमेशा ही याद करते थे, और सदा मुस्कुराते हुए उससे जब भी मिलते थे तो स्वतः ही वह उनका बन जाता था। इस अवसर पर मैं बहुत अपनी हार्दिक दुआएं देता हूँ कि वह अपना जहाँ भी नया पार्ट उन्हें मिलेगा वह पार्ट बजाएंगे और सदा ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में और विशेष ज्ञान सरोवर में जो भी सेवाएं की हैं उसका जो सैंपल उन्होंने छोड़ा है हम सभी को फॉलो करने के लिए, कि खुशी और मुस्कुराते हुए सेवा करना हम सब भी फॉलो करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हमारे भाई सुभाष भाई जब से मधुबन में सेवारत रहे और हम भी उसी समय मधुबन में आए और साथ में ज्ञान सरोवर भी जब बना, अनेक कार्यक्रम जब भी होते थे उसमें भी जब विंग्स के प्रोग्राम होते थे तो हर विंग वाले को फ़ोन करके इन एडवांस बता देते थे इतने सेवाधारी जरूर आप लेके आगे ऐसे प्रबंध करना, तो पहले से ही बता देते थे, तो उसके कारण जो है किसी को दिक्कत नहीं होती थी, तकलीफ नहीं होती थी और अरेंजमेंट करना आराम से होता था। साथ ही जो भी भाई बहनें वहाँ जाते थे प्रेम से भोजन कराते थे, प्रेम से उनकी खातरी करते थे, क्योंकि आज देश विदेश के अंदर हर कोई के दिल में उनके प्रति श्रद्धा है, भावना है और सभी उनको प्रेम से याद करते हैं। आज हम भी अपनी प्यार से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं सभी शांतिवन निवासी भाई बहनों की ओर से भी। ओम शांति। अन्य दीदी
विशेष मुनि देवी एवं हमारे जो भी वरिष्ठ बहनें भाई हैं उन सब के तरफ से खास श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मैं जब आ रही थी तो मुन्नी बहन के पास गई तो मुन्नी बहन ने कहा कि मेरी तबीयत के हिसाब से मैं नहीं आ सकती, और हमने उनको कहा कि हम जा रहे हैं, तो उन्होंने सुभाष भाई के प्रति हार भी भेजा और श्रद्धांजलि भी दिया। और ऐसे नीरव भाई बेजवन भाई सभी ने सुभाष भाई के प्रति सुभावना सुखकामना। सबके बहुत ही प्रिय लाडले छोटे सुभाष भाई, जिन्होंने ड्रामा प्लान अनुसार अचानक ही अपने इस साकार देह का त्याग किया, उनके प्रति श्रद्धांजलि जितने अर्पण करो उतना कम है, क्योंकि ये हमारा भाई बहुत पुराना है, बहुत छोटेपन में ज्ञान में आया, भले ही जन्म सातारा जिले में लिया लेकिन कोल्हापुर वालों से और बाद में फिर पुणे वालों से बहुत ही ये क्लोज रहा। हमें कभी लगता ही नहीं था कि सुभाष भाई कोई और जिले के हैं। बहुत छोटे थे, कोल्हापुर आते थे और हंसी मजाक उनका स्वभाव तो रमणीक ही था। फिर जब वो मधुबन में गए ज्ञान सरोवर में, उसके पहले मधुबन में थे, दादी जी के साथ भी हम उनको देखते थे, बहुत क्लोज थे, बड़ों के साथ बहुत क्लोज थे, हर सेवा में इन्हें बहुत इंटरेस्ट था और कोई भी कारोबार बहुत रमणीकता से करते थे। तो ये सातारा का सितारा जो ज्ञान सरोवर की एक परी के रूप में, एक फरिश्ता के रूप में सेवाएं देता था और सबकी बड़ी प्रेम से, आदब से, रिस्पेक्ट से पूछताछ करना और अलग अलग प्रकारे यज्ञ के लिए भी सेवाएं करा के लेना, विशेष ज्ञान सरोवर के लिए भी भाई जी ने कहा कि बहन जी ऐसे ऐसे है, तो यज्ञ के लिए भी सेवा करा के लेना ये भी एक कला होती है। तो अनेक कलाओं से निपुण, और भाई का अपने लौकिक परिवार के प्रति भी बहुत प्यार था, माँ के प्रति तो बेहद प्यार था। कितने बड़े कैंसर जैसे रोग से ये भाई फ्री हो गया, लेकिन अभी अचानक इस देह को उन्होंने त्याग दिया। हम यही शुभ भावना रखते हैं कि बाबा का ज्ञान तो हम सबके बुद्धि में बहुत है, जिस कारण आत्मा अंदर ही अंदर शांत हो जाती है बाबा के ज्ञान को सोच करके, तो ये आत्मा बहुत अच्छी तरह आगे पार्ट प्ले करे। हमें तो हमेशा लगता है कि इनकी चाल चलन, बोल चाल प्रिंस जैसी थी, प्योर थी, कोई मन में कटु भावना या अन्य कोई भावनाएं नहीं थी। तो ऐसे भाई को जबकि ड्रामा प्लान अनुसार वो आगे चला गया है, तो नक्की उनका पार्ट सतयुग की स्थापना में आगे का बहुत बड़ा रोल होगा, जिस कारण अचानक आत्मा चली गई है। तो ऐसे सुभाष भाई को सारे मीरा सोसाइटी सब जोन के तरफ से
और विशेष विशेष सभी कुमारों की ओर से, हम बहनों की ओर से बहुत 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 आदर युक्त, स्नेह युक्त और बहुत विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि। सुभाष भाई के लौकिक बड़े भाई अर्थात मेरे लौकिक पिताजी, चूंकि काफ़ी एज होने के कारण और यहाँ सर्दी होने के कारण हम उन्हें नहीं ला पाए हैं, तो दोनों उनके बड़े भाई और भाभी अभी उनको लाइव देख रहे हैं और खास मुझे कहा कि दीदी मेरे छोटे भाई को, क्योंकि उनको लिए बच्चे जैसे हैं, तो उसको बहुत बहुत याद और श्रद्धांजलि। सुभाष भाई को हम अभी अंतिम दर्शन कर रहे हैं, बाबा उनको जहाँ भी भेजेगा बहुत अच्छी सेवा करेगा, और अभी हमने बहुत देश विदेश के समाचार भी सुने हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की है और इतनी अच्छी सेवा की और उसका ही दुआ उनको मिला, जो उनको बीच में जो बीमार थे वो उनको गोल्डन चांस मिला, क्योंकि उन्होंने बहुत जनों की सेवा की, खतरी की सभी की, तो शायद हमको लगता है कि हम थोड़ा वो मिस करेंगे, लेकिन हम प्यार से उनको विदाई देते हैं सब जन के तरफ से, और हमारे आदरणीय सुनंदा दीदी भी उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। आज सुभाष भाई का करीब संगम युग का पार्ट पूरा हो गया सेवे का। बहुत अच्छी सेवा उन्होंने डाइनिंग में, चाहे गवर्नर आवे चाहे जो भी आवे, और ये जो भी संगठन है हमारे ज्ञान सरोवर का, ये बहुत एक भाईचारे से एक संगठन में सब एक विचार से और बहुत अच्छा एक दो के राय से, बड़ों के राय से बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं, और एक परिवार के जैसे, एक भाई की चारे के जैसा ही सब रहते थे, और बहुत अच्छे उसमें से किए सुभाष भाई, जिनका आज इस सब भाइयों में से माना देह का जाना हो रहा है। और हमें जैसे समझा तो संकल्प चल रहा था कि इतने पुराने भाई अपने एक सब जोन के हैं, इतने काफ़ी साल से सेवा दे रहे, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि आखिरी के इनके जो भी अंतिम संस्कार को हम कैसे पहुँचे। तो बाबा की कमाल है, करण कराउन हर बाबा है, और बाबा ने समय से पहले दीदी को हमको सबको ड्रामा प्लान अनुसार पहुँचा दिया, और आप सभी लोगों ने थोड़ा सा समय का भी सहयोग दिया, थोड़ा सा वेट किया, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में। और ऐसी आत्मा, चाहे बाबा को कुछ आगे कुछ करवाना है, इसलिए अचानक का पार्ट तो बहुत 97 से हमने बाबा ने डिक्लेयर किया था, और वो आज भी हमें थोड़ा सा बाबा इशारा निश्चित दे रहे हैं। तो सभी ये भी ध्यान रखें कि अपने सेहत का, कि जो भी हमको रखना है, क्योंकि अभी सभी की उम्र ऐसी होते जा रही है, क्योंकि 30-40 साल से सभी सेवा कर रहे हैं, तो थोड़ा सेहत के ऊपर भी हमें ध्यान जरूर देना है। ऐसा बहुत अच्छा पार्ट सुभाष भाई का हुआ, और ऐसा आप हम सबका भी है, और बहुत दुआ लेकर के ये आत्मा अनेक बार, चाहे गांव से हो चाहे अनेक परिवार से हो, जा रहे हैं। सुभाष भाई बहुत ही प्यारा प्यारा उनका पार्ट था, बहुत ही अच्छी सोल थी। 2-3 साल पहले उन्होंने माता जी का बहुत ही बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ था, और हम नगाव में जो आए थे तो पुना में बहुत बड़े आते थे, मिलनसार स्वभाव था उनका। अचानक का पार्ट
सुभाष भाई हम सबको सिखा के चले गए और सभी को वैसे जाना ही है, लेकिन फिर भी अचानक अपार्ट क्या होता है वो सचमुच सुभाष भाई ने हम सबको दिखाया है। हम उनसे यही सीखेंगे और बहुत उनकी नेचर जो थी वो मिलनसार थी, हम तो उनसे यही सीखते हैं कि मिलनसार नेचर होने के कारण सभी को मदद करना, सभी को सहयोग देना, ये जैसे उनके रग रग में समय हुए थे। और हमारे आदरणीय सुंदर दीदी के बड़े ही वो जैसे प्यारे थे, क्योंकि जब वो छोटे थे और छोटे पन में जब यहाँ आए तो मेजी ने उनको एक बहुत अच्छा शुभ आशीर्वाद दिया था कि सुभाष बहुत आगे जाएगा और बहुत बाबा की सेवा करेगा, और वही मंत्र लेकर के वो मधुबन में समर्पित हुए और यहाँ तक सेवा की। हो सकता है हमें लगता है कि आगे भी बाबा को उनकी जरूरत है, आगे भी उनकी जरूरत होने के कारण आगे की सेवा के लिए चले गए और हमें अचानक पाठ भी सिखा के चले गए। तो मैं सज्जन के तरफ से पुनः विरासत सोसाइटी सज्जन के तरफ से सुनंदा देवी नरेंद्र देवी सबके तरफ से सुभाष भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज मैं सुबह मेरी मौसी और मेरी मम्मी जी से भी बात किया तो मुझे पूछने लगे आज सुभाष भाई को साथ लेके आएंगे कि नहीं, तो मैंने उनको बता दिया। सुभाष भाई ने हमें जो पालना दी है हमें उसको आगे बढ़ के लेके आगे बढ़ना है, तो आप निश्चिंत रहे बाबा को याद कीजिएगा, सुभाष भाई आगे अपनी पालना कर रहे हैं। ये किसने है मोहब्बत में